हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने सेशन वुमेन कॉर्नर में। मैं पिंकी आज फिर आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी के 7th मंथ में क्या क्या चेंजेस होते हैं और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो मेरी ये न्यू वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे ऐसी न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो आइए अब मैं स्टार्ट करती हूँ हमारा आज का न्यू वीडियो। मेरी आज की वीडियो भी पहली वीडियोस की तरह बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है उन लेडीज के लिए जो कि प्रेग्नेंट हैं और जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं और उनके मन में क्वेश्चन आता है कि किस मंथ में क्या होता है। तो मेरी हर वीडियोस में मैं आपको अपडेट्स बताती हूँ कि कब क्या होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी का 7th मंथ, कि हमारी प्रेगनेंसी के 7th मंथ में क्या क्या तो चेंजेस होते हैं और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि आपको प्रेगनेंसी के 7th मंथ में अपनी डाइट का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के 7th मंथ हमारी बेबी के ब्रेन का विकास बहुत ही तेजी से होता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए, ताकि अच्छे से हमारे होने वाले शिशु के दिमाग का विकास हो सके। इसके साथ साथ 7th मंथ में आपको चलने और बैठने में थोड़ी परेशानी होगी, आपको तकलीफ हो सकती है, आपको बैठकर उठने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी, अगर आप खड़े हैं तो आपको बैठने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी छोटी छोटी तकलीफ आपको झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि इतनी तकलीफों के बाद आपको कितना प्यारा सा गिफ्ट मिलने वाला है भगवान की तरफ से, आपको आपका बच्चा मिलने वाला है, जो हर एक माँ की जान होती है, जिस फीलिंग को हर माँ फील करना चाहती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मली बातें होती हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी पर आपको सोचना चाहिए कि इन प्रॉब्लम्स के बाद आपको कितनी बड़ी खुशी मिलने वाली है। इसके साथ साथ एक और मेजर प्रॉब्लम आती है, मूड चेंज होना। यस फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 7th मंथ में मेनली हमारा मूड का कोई अंदाजा नहीं होता है, कब हम खुश होते हैं, कब हम हंसते हैं और कभी कभी तो हम रोने भी लग जाते हैं। तो ये सब मूड चेंज होना एक हार्मोनल चेंज है। इसके साथ साथ हमारे ब्रेस्ट का यानी कि हमारे स्तन का साइज बढ़ने लग जाता है, उनका आकार बढ़ने लग जाता है और इसके साथ साथ हमें बार बार बाथरूम जाने जैसी समस्या भी हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी के 7th मंथ में आना नॉर्मली है, कोई घबराने की बात नहीं है। बस आपको अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है, ज्यादा थकना नहीं है और सबसे मेन चीज अपनी डाइट के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। ज्यादा तला हुआ खाना नहीं खाना, आपको हेल्दी फूड खाना है, जिससे आपके बेबी के दिमाग की ग्रोथ अच्छे से हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी ऐसी न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।